उपराष्ट्रपति के बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल ने दिया सांड की आंख का रिव्यू, मिले इतने स्टार। बॉलीवुड की फिल्म सांड की आंख अपने ट्रेलर रिलीज से लेकर अभी तक चर्चा में बनी हुई है। अब तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर स्टारर सांड की आंख इस शुक्रवार रिलीज होने वाली है। फिल्म को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी है। पिछले दिनों ही फिल्म के लिए पहली स्क्रीनिंग उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के लिए रखी गई थी, जिसके बाद अब फिल्म को स्पेशल तौर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिखाया गया है। पिछले काफी समय से दुनिया की सबसे बुजुर्ग शार्प शूटर महिलाओं चंद्रो तोमर और प्रकाशो तोमर की जिंदगी पर बनी इस फिल्म को पूरी फिल्म इंडस्ट्री से तारीफें मिल रही हैं। वहीं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसकी तारीफ की है। आपको बता दें कि हाल ही में सीएम केजरीवाल ने अपने परिवार और फिल्म की कास्ट के साथ फिल्म देखी। वहीं इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर तापसी और भूमि के साथ वाला फोटो शेयर करते हुए लिखा, पिछली शाम मैंने अपने परिवार के साथ फिल्म सांड की आंख देखी। तोमर दादी यानी चंद्रो और प्रकाशो तोमर की यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है। तापसी और भूमि को शुभकामनाएं। तुषार हीरा नंदानी के डायरेक्शन में तैयार हुई ये फिल्म अनुराग कश्यप ने प्रोड्यूस की है। बता दें इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि जल्द ही इसे राजस्थान में भी टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। फिल्म में जहां भूमि चंद्रो तोमर के रोल में है, वहीं तापसी ने प्रकाशो का किरदार निभाया है। हालांकि इस फिल्म के मुख्य किरदारों की कास्टिंग को लेकर काफी विवाद था, जो अब तक चला आ रहा है। फिल्म में दोनों अभिनेत्रियां अपने से दुगनी उम्र का किरदार निभा रही है, जिसे लेकर उनकी काफी आलोचना हो रही है, तो वही तारीफें भी हो रही है। हालांकि अब फिल्म में दोनों क्या कमाल करती है, ये तो 25 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा।